है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। नहीं पहुंच पा रही है कोई खाद्य सामग्री जरूरतमंदों के पास। जी हाँ, फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला करबला में ज्यादातर आबादी श्रमिक एवं लेबर वर्ग के व्यक्ति की है, जो लोग यहाँ निवास करते हैं। लॉकडाउन के बाद उनके घरों में चूल्हे जलाने के लिए राशन खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पर है। वहीं लोगों का खान पान दूसरों के भरोसे ही चलता है। पूर्व वार्ड पार्षद पति सुनील राठौर का क्या है कहना, सुनिए उनकी जुबानी सिर्फ वॉइस टीवी पर। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। दो टुकड़ी कम खा लो, कल से आप यहाँ चार तीन तीन ठीक है। तो अभी बहुत लोग आज का तुम्हारा प्रबंध नया बढ़ा है, जो है उनके लिए आ ही रहे हैं। वो गुड्डू काम हम सब फेम है आपका, क्यों बंद है? अब जाने बेटा, काहे बंद है? सब लोग ने काहे बंद है? वो का वो का यार, ने कितने दिन से बंद है? काम कब से बंद है बताओ? काम तो जब से जा रहा पारा भाई, सब तो बंद है। तुमने बच्चे छोड़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं है? क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं? लड़का क्या करता है आपका? लड़का तकनीकी कंपनी रहता है, किराए पर रहती हूँ। कमाने खाने वाला केवल वही है आपके घर से? कितने कमाते हो डेली? 100-150-200 इन्हें बोल रहा हूँ। अरे कहीं 50, कहीं 60, कहीं 100, ऐसा काम है भैया, जब सिलाई वगैरह कर ले चूड़े को काम। अब आपका खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा ऐसे ही चलते भैया। कैसे अब कैसे चल रहा है आज? आज कैसे चल रहा है तो देख लो, चल घर की नौकरी ले लो, चल देखो। असहाय गरीब विधवा उन लोगों के लिए राशन बट रहा है, तो सॉरी पैकेट बट रहे हैं भोजन। और ये हम लोग आपस में कमेटी है हमारी, 7-8 लोगों की, वो बांट रही है। और ये व्यवस्था हमारे बीमारी जो कोरोना फैली हुई है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में मारामारी फैल रही है, उससे कोरोना से बचाने के लिए ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। समाज सेवा हमारे बहुत से भाई बंधु हैं, जो नरेश पंजाबी हैं, टंकी राज हो रहे हैं, विजय भोला हैं, और तुम्हारे टोका भैया हैं, और कमेटी के 2-4 लोग हैं, उनके नाम भूल चुका हूँ मैं, और बहुत से सारे लोग हैं कमेटी में सेवा कर रहे हैं। आज मुझे 5वां दिन है, जो करीब मेरी नॉलेज से कम 70 परिवार ऐसे हैं वो मेरे ऊपर निर्भर हैं, मेरे ऊपर मतलब ऊपर भगवान के ऊपर निर्भर हैं, जो इंतजार करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई साहब भूख लग रही है खाना लाओ, फ़ोन करते हैं कहते हैं कि भाई साहब भूख लग रही है खाना लाओ। 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको दूध पीने के लिए 250 ग्राम दूध नहीं है उनके लिए, बहुत शर्म की बात है। मैं तो ये कहता हूँ हमारी करबला में जाने कहाँ है नेता, शहर के नेता कहाँ हैं, जो सो रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं आज? मैं तो ये कहता हूँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब, इनसे हाथ जोड़ के मेरा रुका इसका ये जाँच कराना करबले की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर मेरे द्वारा जाँच कराएं। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा उन लोगों से, DM साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, और भी ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, बेतमा एक जिले का मालिक DM साहब हैं, तो वो किसी टीम को मेरे साथ भेज के जाँच कराने, सर्वे कराने करबला क्षेत्र की, जो ऐसे परिवार हैं मैं क्या बताऊं भाई साहब, रोने को दिल करता है, रोने को उनका दिल रोने को करता है, मैं क्या बताऊं। अभी तो बहुत से परिवार भूखे रह गए हैं, वो मेरी याद कर रहे हैं कि मेंबर साहब आ रहे होंगे, मेरे खुद आंसू निकल रहे हैं, आ रहे होंगे कि उनको भूख लग रही होगी, और पैकेट मेरे पास बस्ता खत्म हो चुकी, 40 पर बांटा था वो मैं बंटवा चुका हूँ,
इतनी सारी व्यवस्था नहीं है मुझे, देखो मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ, यानी नहीं चाहिए,